नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इंडिया के सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो में चलने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन करके क्वेश्चंस की और आंसर्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी क्लास 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, ये हमने पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा था, आपके लिए मैंने होमवर्क दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मुकुंद पाटिल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है मुकुंद पाटिल, बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। बताइए दोस्तों, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। आपके ऑप्शन हैं ए, सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद गुलाम, ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है। बताइए दोस्तों, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है। आपके ऑप्शन हैं ए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी, मोहम्मद कासिम, ऑप्शन सी, मोहम्मद राशिद, ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों, आप 50 क्वेश्चन देखने के बाद आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंदोलन एवं उनके नेतृत्वकर्ता का मिलान करिए। मिलान करिए दोस्तों, आपके आंदोलन है ए, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ है, देवबंद आंदोलन, नैनोतवी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, वाहवी आंदोलन पटना में हुआ है। बताइए दोस्तों, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। आपके ऑप्शन आप देख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं, मोहम्मद कासिम कामा राशिद हैं और सैयद अहमद राय बरेलवी हैं। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। आप मिलान करके हमें बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों, जिसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उस जो भी मैच है वो आमने सामने सब सही है इसमें दोस्तों। तो इसमें आपको मिलान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी मैचिंग है उनके सामने उनके उत्तर दिए हुए हैं, आंदोलनकर्ता हैं उनके जो नेतृत्वकर्ता हैं दोनों सामने दिए हुए हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है, सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की। बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है द्वारिकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी, दादा भाई नरोजी, ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। सर 1867 में किसने इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। बताइए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। आपके ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नरोजी, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो थे वो भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। बताइए दोस्तों, कौन था। आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस हैं, ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, ऑप्शन सी, द्वारिकानाथ टैगोर हैं, ऑप्शन डी, राधा राम मोहन राय हैं। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा।
ए बी सी डी में सही ऑप्शन आप बताइए कौन सा सही होगा। वो कौन प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जिनको ब्रिटिश ने सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया था। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन कौन हो क्या होगा, कौन पहले भारतीय थे जिन्होंने राजनीतिक सुधार का विरोध किया था। यस दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 सितंबर 1875 को द इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या मुकुंद राव पाटिल। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। 25 सितंबर 1875 को द इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने द इंडियन लीग की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, बी आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेटिंग फॉर ए बीजा पुस्तक जातिगत भेदभाव किसने लिखी है? बताइए दोस्तों, वेटिंग फॉर ए बीजा पुस्तक जो है वो जातिगत भेदभाव के ऊपर आधारित है। बताइए दोस्तों किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी मुकुंद पाटिल, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किन्होंने वेटिंग फॉर वीजा ये पुस्तक लिखी है। यस दोस्तों, जिसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल बाल पाल में किस राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष चुना गया? बताइए दोस्तों, लाल बाल पाल में किसे राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? आपके ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए दोस्तों ये तीनों लोग जो थे वो गरम दल के नेता थे, और बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है? दोस्तों अभी पूछे हमने आपसे पूछा था कि मतलब राष्ट्रीय जो गरम दल के नेता थे उसमें किसको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ये भी गरम दल के नेता ही थे, आपको हम हिंट दिए दे रहे हैं। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी को कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस जो था कांग्रेस थी उसका अध्यक्ष नहीं चुना गया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा? बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा? आपके ऑप्शन है ये कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन। 1916 में इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, 1916 में इन्होंने कहा था। चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष 1938 में किसे चुना गया? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सुभाष चंद्र बोस। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, यह किसने कहा था? बताइए दोस्तों, एक
इसमें किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए दोस्तों, इसमें किन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी या डी मौलाना कलाम आज़ाद। बताइए दोस्तों, इसमें सही कौन कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी में से आप सही ऑप्शन का चुनाव करिए और हमें बताइए कौन सा सही होगा। स्वतंत्रता के समय कौन व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, जे बी कृपलानी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 बार कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, 6 बार किसे कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी मौलाना कलाम आज़ाद। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 6 बार किसे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना कलाम आज़ाद। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 19 मार्च 1931, 22 मार्च 1933, 23 मार्च 1934। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? किसे लाहौर षड्यंत्र में किस तारीख को लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? बताइए दोस्तों, इसके सही ऑप्शन क्या होंगे? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 मार्च 1931। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, बी प्रथम नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन में आप सही ऑप्शन का चुनाव करिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये होंगे आपके विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, ये विनायक दामोदर सावरकर जी होंगे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? बताइए दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर ने, मदन मोहन मालवीय ने, सचिंद्र नाथ सन्याल ने या राम प्रसाद बिस्मिल ने। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? किसने लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किया था? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, मदन मोहन मालवीय। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अहिल्या होलकर, उदा देवी पासी, बीना दास, सरला देवी चौधरानी। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? आपके ऑप्शन है बीना दास, सरला देवी चौधरानी, उदा देवी पासी या अहिल्या होलकर। सही ऑप्शन बताइए, मतलब किस महिला ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर के ऊपर गोली चलाई थी? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका सी, ऑप्शन सी होगा बीना दास। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा बीना दास। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसने किया था? बताइए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद, बी भगत सिंह, सी राम प्रसाद बिस्मिल या डी सूर्य सेन। बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसने किया था? इसमें आप सही ऑप्शन बताइए, इसमें कौन सा दोस्तों होगा सही ऑप्शन? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका डी, सूर्य सेन। सूर्य सेन जी ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में किस व्यक्ति की कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ था? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस या डी सुखदेव। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु किसकी थी और वो शहीद हो गए थे? यस दोस्तों, जो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनका आपको मिलान करना है, ये कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं, युगांतर पार्टी है, जतिननाथ मुखर्जी अनुशीलन समिति, वीरेंद्र कुमार घोष, भूख हड़ताल से मृत्यु, जीवन दास, नौजवान सभा, भगत सिंह।
बताए दोस्तों, इस इनका मैच मिलान करिए आप, कौन किससे संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अपने अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यस दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये सभी आमने सामने जो हैं वो सही आंसर हैं इसके। जो युगांतर पार्टी है वो जतिननाथ मुखर्जी जी से संबंधित है, और जो अनुशीलन समिति है वो वीरेंद्र कुमार घोष जी से संबंधित है। भूख हड़ताल से जो मृत्यु हुई थी वो जीवनदास जी की हुई थी। नौजवान सभा जो है वो भगत सिंह जी से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है श्याम जी कृष्ण वर्मा, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अरविंद घोष या डी सत्येंद्र नाथ साई। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। आप चार ऑप्शन देख सकते हैं और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा नंबर ऑप्शन नंबर ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय क्रांति की माँ किस महिला को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय क्रांति की माँ किस महिला को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भीकाजी रुस्तम कामा, बी बीनादास, सी सरला देवी चौधरानी या डी रामाबाई सरस्वती। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किस महिला को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए भीकाजी रुस्तम कामा। चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1913 में गदर आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, राम बिहारी बोस, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसके द्वारा 1913 में गदर आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, डी लाला हरदयाल। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गदर पार्टी गदर आंदोलन से संबंधित, लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहां पर किया गया था? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी लंदन या डी जर्मनी। बताइए दोस्तों आप इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप इसे दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान रखिए और ये आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसकी। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी ने गदर आंदोलन का प्रारंभ किया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव, या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है, आप बताइए हमें कमेंट के माध्यम से, आप हमें बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है बटेश्वर दत्त, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी तारकनाथ दास, ऑप्शन डी कृष्ण कुमार मित्र। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, 1907 में किसके द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी तारकनाथ दास के द्वारा, तारकनाथ दास के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दोस्तों आपको मिलान करना है, दरबार हैं और ये गवर्नर हैं, दिल्ली प्रथम द्वितीय और तृतीय दरबार हैं, और इसमें उस समय कौन गवर्नर था आपको बताना है, हमें बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, और आप हमें कमेंट में बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये जो आमने सामने हैं वो सभी सही हैं।
प्रथम दिल्ली दरबार के लॉर्ड लिटन हैं, द्वितीय के लॉर्ड कर्जन हैं, और तृतीय के जो हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1915 अमेरिका में होम रूल का गठन किसने किया था? बताइए दोस्तों, होम रूल का गठन किसने किया था? होम रूल लीग की जो स्थापना थी वो हमने अभी दोस्तों आपको बताया। अब बताइए अमेरिका में होम रूल का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, या डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किनके द्वारा 1915 में अमेरिका में होम रूल का गठन किया गया। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका सी लाला लाजपत राय। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, इस आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी एन एम जोशी, ऑप्शन सी एन एम लोखंडे, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सन 1890 में प्रथम मजदूर संगठन जो बॉम्बे हैंड्स था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों इस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका सी एन एम लोखंडे। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको बताना है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन एम जोशी, सी महात्मा गांधी, या डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किसके द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई? यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी महात्मा गांधी जी के द्वारा लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना की गई थी अहमदाबाद में। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों किसके द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एन एम जोशी, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका सी एन एम जोशी। एन एम जोशी के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1947 इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है एन एम जोशी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी महात्मा गांधी। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, 1947 में किसके द्वारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा आपका सी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। आपके ऑप्शन है ए 5 मई 1926, 1 मई 1927, 6 मई 1928, या डी 1 मई 1929। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस कब मनाया गया। तो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने दोस्तों सही हुए हैं, ये कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए। यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, जो भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस जो मनाया गया वो 1 मई 1927 को मनाया गया दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर, सोमेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्र नाथ टैगोर, या सत्येंद्र नाथ टैगोर। बताइए दोस्तों किसके द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन है देवेंद्र नाथ, सोमेंद्र, रविन्द्र नाथ, और सत्येंद्र। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किसके द्वारा की गई। तो यस दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो सोमेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1949 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए डी एन मजुमदार, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी एन एम जोशी, या डी एन दत्त मजुमदार। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किसके द्वारा भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की गई थी। बताइए दोस्तों, यस दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा 1949 में जो भारतीय बोल्शेविक पार्टी थी वो एन दत्त मजूम द्वारा स्थापना इसकी की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में 62 के अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने दिया था? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए लखनऊ अधिवेशन, बी इलाहाबाद अधिवेशन, सी मुंबई अधिवेशन,
या डी कलकत्ता अधिवेशन। बताइए दोस्तों आपका इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में जो भाषण दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था। एस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। बताइए दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइए दोस्तों इसको आपको गलत नहीं करना है, आपको 100% सही करना है। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। आपके ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। बताइए दोस्तों किसको गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। यस दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ही ऑप्शन होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई बताइए आप हमें कमेंट में दोस्तों। इस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, सचिंद्र नाथ सन्याल। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किसके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन 1905 का विरोध किसने किया था। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए अश्विनी कुमार, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार मित्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। बंगाल विभाजन 1905 का विरोध किसने किया था। बताइए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और इसका आपको इसमें कितने क्वेश्चन आपको सही आ रहे थे और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने बंगाल विभाजन 1905 का विरोध किया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए सैयद हैदर रजा, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सैयद हैदर रजा, कृष्ण कुमार मित्र, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। इस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन कला के प्रोत्साहन के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है ए देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अविन्द्रनाथ टैगोर, या डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। प्राचीन कला के प्रोत्साहन के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। इस दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, अविन्द्रनाथ टैगोर। अविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था। बताइए दोस्तों इसको किसने रद्द किया था। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, या डी लॉर्ड रिपन। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, किस बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था। बताइए दोस्तों इसमें ए बी सी डी में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो जिसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा जो बंगाल विभाजन को रद्द किया था वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसको रद्द किया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया था। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों सर लियोनिल कार्टिस, लॉर्ड वेलजली, सी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपके ऑप्शन है, बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन ए बी सी डी हैं, आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा।
जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, द्वैत शासन का जनक जो माना जाता है, वो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा वो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, अब स्पेशली हम पूछ रहे हैं कि बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका। आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन सी लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैत शासन का जनक माना जाता है। दोस्तों आपको भी, आपके लिए हम एक होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? बताइए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों तो ये हमारी क्लास 3rd थी, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।